बहुत खुशी हो रहा है और ये भी एक रिकॉर्ड बना सबसे कम उम्र में खेलने का, इसके लिए और खुशी है। और खुशी के साथ साथ अब जो है पहले से और ज्यादा मेहनत करके जो उसको खरीद माने राजस्थान रॉयल खरीदा है उसके भी अति पर खड़ा उतरना है विश्वास पर और देश के लिए भी खेलना है, इसके लिए दिन दुनी और रात चौगुनी और मेहनत करना है। आप पहले खुद क्रिकेटर थे और आपने अपने सपनों को अपने बेटे में देखा, क्या कुछ कहिएगा? यही सब थे हम लोग, दसों साल साथ में खेले हैं हम लोग। अच्छा, अब क्या कहिएगा, क्योंकि अब पूरा श्रेय किसको देना चाहते हैं, किन लोगों को देना चाहते हैं और क्या कुछ कठिनाइयां रही आपके? कठिनाई तो कोई भी, आप कोई भी अति में जाइए, फील्ड में मेहनत कीजिए, मुकाम पाने के लिए, मंजिल पाने के लिए कठिनाई तो होता ही है। तो सब कठिनाई को झेलते हुए, उसको मैनेज करते हुए वो बच्चा खूब मेहनत किया और हम लोग वो सपोर्ट किए। हम तो कहेंगे 110% इनकी। क्या नाम हुआ आपका? जी संजीव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल ने सबसे कम उम्र में जो है आईपीएल में चुना जाने वाला राजस्थान की ओर से जो है खिलाड़ी है, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? वैभव सूर्यवंशी शुरू से ही क्रिकेट के लिए वो लगनशील था और सबसे अगर अधिक है तो उनके पिता जो है उनका देन है और वो अपने पूरे जिंदगी को अभी तक न्यौछावर कर दिए उस बच्चे पर और हम लोग ये कामना करते हैं कि ये विश्व में नाम करे। क्या नाम हुआ आपका? गांव मोतीपुर। पोता है? कौन लगेंगे आप? हमारा पोता है वो। बताइएगा कि आपका जो है पोता जो है उसे जो है आईपीएल में चुना गया है राजस्थान की ओर से, क्या कुछ कहिएगा? मैं पहले आप सबकी बधाई हो, या आप लोग पहले बधाई दिए और साथ साथ देश और जिला के लिए बधाई हो। और यह बच्चा जो है यह छोटा सा उम्र जब 3 साल का ही वैभव था उसी समय से इसको बड़ा दिलचस्पी था, मना करने पर भी अब बल्ला और बॉल पकड़ लेता था, डांटते भी तब भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है हम खेलेंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ पूरे देशवासियों के लिए भी यह आगे भी इसी तरह करते रहे। और भैया बताएगा कभी जो है आप जो क्रिकेट खेलता था तो डांटते उठते भी थे? जी डांटते थे। अच्छा, कभी कभी उसको मारते थे, दौड़ते थे उस पर, फिर भी कहता था नहीं दादी हमको अच्छा लगता है हम खेलेंगे। ठीक है बाबू तब खेलो। धीरे धीरे जब दल सिंह सराय गया, बेनी पट्टी, उसके बाद आपको क्या कहते हैं बेगूसराय, जब हम देखते रहे कि यह अच्छा खेल में उतर रहा तब से मेरा भी मनोबल और मन ये हुआ कि हाँ यह खेले, तब से हम भी प्रोत्साहित करने लगे। आज कैसा महसूस कर रहे? आज तो हमको बहुत गर्व लगता है, हमको क्या पूरा देशवासी को गर्व है, हम भगवान से कामना करते हैं इसी तरह गर्व का यह बच्चा। क्या नाम हुआ आपका? उषा सिंह।